फ्रेंड्स एंड वेलकम विद अनदर न्यू क्वेश्चन ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको वेरिफिकेशन भी बताऊंगी कि जो इसका क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है कि वो क्वेश्चन वेरीफाई होके क्या आपका भी आंसर वही निकल रहा है, आंसर का भी आंसर वेरीफाई करूंगी। देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सचिन गेट्स 3 marks फॉर ईच करेक्टली डन क्वेश्चन एंड लॉसेस 2 marks फॉर ईच रॉन्गली डन क्वेश्चन। यानी कि 3 marks जो करेक्ट कर रहा है उसके हर एक क्वेश्चन के 3 marks है और जो जितने भी लॉस कर रहे हैं उसने क्वेश्चन गलत हुए उनके 2 marks है। सो ही अटेम्प्ट 30 questions और टोटल उसने 30 questions अटेम्प्ट करे एंड गेट 40 marks। लेकिन अब उसे 40 marks मिले हैं। सो हाउ मेनी questions ही हैज अटेम्प्टेड करेक्टली। अब बेसिकली हमें ये नहीं पता कितने questions करेक्ट करे कितने गलत करे और कितने करेक्ट करे हैं कि जिससे उसके 40 marks आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसको हम कैसे स्टार्ट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लेट ले लेते हैं। लेट द करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस बी एक्स। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि लेट द करेक्टली, क्योंकि कितने उसने करेक्ट करे क्वेश्चंस वो हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले करेक्टली अटेम्प्टेड क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उसको हम ले लेते हैं बी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन बी इक्वल्स टू एक्स। अब हम बात करें यहाँ पे इक्वेशन की, इक्वेशन कैसे बनेंगे। तो इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले ये x है और 3 marks फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन था, तो 3 into x हो जाएगा यानी कि 3x माइनस उसमें से 2 marks जो लॉसेस करे यानी कि जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उसके हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि x को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि x यहाँ पर वो आएगा, क्योंकि उसने जो टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करे वो है 30 माइनस एक्स की, उसने टोटल में से कितने अटेम्प्ट करे वो हमें बेसिकली पता लगाना, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। यानी कि टोटल में से हमने माइनस करा उतना जितना उसने करेक्ट करा, तो बचा हुआ पार्ट कितना आएगा, लॉसेस का आएगा, इसीलिए उस वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, इक्वल्स टू आ जाएगा 40, क्योंकि उसको 40 मार्क्स मिले हैं। तो इस तरीके से इक्वेशन बने कि 2 को इंटू एक्स नहीं करेंगे, 2 को इंटू करेंगे 30 माइनस एक्स से, क्योंकि 30 में से उसने माइनस एक्स यानी कि जितने उसने करेक्ट करे, तो बाकी का बचा हुआ पार्ट ही सिर्फ लॉस वाला आएगा कि जिसमें उसने गलत अटेम्प्ट करे। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस 2 इंटू 30 हो गया 60 एंड माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 इंटू एक्स हो गया 2x एंड इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये विदाउट x है और ये दोनों x x के, तो इधर ही रख लेते हैं x x को, तो 3x प्लस 2x इक्वल्स टू 40 और ये वाला इधर माइनस है तो इधर आके हो गया ये प्लस 60। देन आपका देख सकते हैं यहाँ पे 3x प्लस 2x हो गया 5x इक्वल्स टू हो गया ये आपका 100। 100 में से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आपका, तो इसको डिवाइड करेंगे 5 1 5, 5 2 20, तो आपके पास आ गया आंसर 20 marks। यानी कि 20 questions ही अटेम्प्टेड करेक्टली, 20 questions उसने करेक्ट करे। अब देखिए वेरीफाई कैसे बताती हूँ। 3 of questions यानी कि 3 ऐसे नंबर के questions थे जो करेक्ट थे, तो करेक्ट questions कितने हैं 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 multiplied by 20 दैट इज 60। और क्योंकि इसमें बेसिकली 30 कितने क्वेश्चन अटेंड करे यहाँ पर 20 और बाकी टोटल क्वेश्चन थे हमारे पास 30, तो बचे 10 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आ गया 20। अगर मैं बात करूँ 60 माइनस 20 तो आंसर आ गया 40 और 40 ही मार्क्स इसके आ रहे हैं, 40 marks का। यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि 20 questions इसने अटेम्प्ट करे क्योंकि हमारे 40 marks बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। तो आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे होम।